विशाल जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी न थी, बस एक कठिनाई उनके सामने थी। जंगल में केवल एक ही पोखर था। यूँ तो पोखर बहुत विशाल था, परंतु उसे लेकर पशु पक्षियों में विवाद था। पशु कहते कि पोखर उनका है और पक्षी कहते कि उनका। दोनों पक्षों में दिन रात विवाद बना रहता। पक्षी विरोध स्वरूप चींची कर आकाश सिर पर उठा लेते और पशु गर्जना करते। इस पर उनके अपने अपने तर्क थे। पक्षी कहते थे कि पोखर पहले उन्होंने ढूंढा, इसलिए इस पर उनका अधिकार बनता है, जबकि पशु यही तर्क देते। कभी कभी उनमें झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों ओर से अनेक मारे जाते और घायल होते। जंगल में खोंगर नाम का चतुर चमगादड़ था। जिस पक्ष की जीत होने लगती वह उसी में जा मिलता। पशुओं को वह कहता कि देखो मेरे दांत हैं, इसलिए मैं पशु हूँ। इसी प्रकार पक्षियों से कहता कि देखो मेरे पंख हैं, इसलिए मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार उसकी मौज मस्ती में कोई कमी न आती। वह दोनों पक्षों को बेवकूफ बनाता रहता था। एक दिन खोंगर की यह चाल दोनों पक्षों को पता चल गई। उन्होंने उसे इतना मारा खदेड़ा कि वह डर कर किसी गुप्त अंधेरे कोने में जा छिपा। दोनों पक्षों में कुछ शांति प्रिय पशु पक्षी भी थे, जो किसी भी तरह इस विवाद का हल चाहते थे। एक दिन एक शांति प्रिय हिरन और बत्तख में अचानक भेंट हो गई। वे इस विषय पर बातें करने लगे। हिरन बोला, मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी प्रकार इस झगड़े को समाप्त कराना चाहिए। बत्तख बोली, मेरा भी यही विचार है, परंतु कठिनाई तो यह है कि यह किया कैसे जाए। दोनों काफी देर तक इस विषय पर अपने अपने सुझाव देते रहे और इस परिणाम पर पहुंचे कि दोनों अपने अपने समूह में जाकर यह घोषणा करेंगे कि दूसरा पक्ष शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। हिरन ने कहा, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो वे हमें ऐसा सुझाव देने के लिए मार डालेंगे या फिर हमारी बात मान लेंगे। यह सोचते सोचते दोनों अपने अपने समूहों में चले गए। वास्तव में पशु पक्षियों में कोई भी अब लड़ाई न चाहता था, क्योंकि इससे अकारण ही प्राणियों की हानि होती थी, परंतु कोई हार मानने अथवा बात से पीछे हटने को भी तैयार न था। हिरन और बत्तख ने अपने अपने पक्ष में शांति वार्ता की बात फैला दी। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक दिन बत्तख और हिरन पुनः मिले और यह तय किया कि झगड़े के फैसले हेतु किसी विश्वस्त को पंच बनाया जाए। एक दिन पोखर के समीप दोनों पक्ष एकत्रित हुए और किसे पंच बनाए इस बात पर विचार करने लगे। इतने में जयमुख नाम की एक छोटी सी चिड़िया आगे आई और स्वयं को पंच घोषित करके पेड़ की एक ऐसी डाल पर बैठ गई जहाँ से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई पड़ते थे। वह बोली, पक्षियों की गति पशुओं से तीव्र है, वे पल भर में ही उड़कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, अतः पोखर उन्हीं का होगा। जयमुख के समीप खड़े भालू को इस पर गुस्सा आ गया। देखते ही देखते पुनः दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। किसी प्रकार हिरण ने पशुओं व बतख ने पक्षियों को शांत किया। हिरण बोला, हमें ऐसा पंच चाहिए जो निष्पक्ष बात कहे, जो झगड़े का ऐसा हल निकाले जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक गौरैया उठी और जहाँ जयमुख बैठी थी वहाँ बैठकर वह जोर से बोली, मेरी बात सुनिए, मैं अपने विचार से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। सभी उसका विचार सुनने के लिए शांति से उसकी ओर देखने लगी। गौरैया बोली, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहें। वास्तव में पानी तो प्यासे का होता है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब किसी पक्षी को प्यास लगे तो वह पानी पी ले और जब किसी पशु को प्यास लगे तो वह पानी पी ले। गौरैया की बात सुनकर सभी के चेहरों पर उल्लास फैल गया। उन्होंने तालियां बजाते हुए गौरैया के निर्णय का स्वागत किया। यह फैसला बिल्कुल सही था और सबने गौरैया का बहुत बहुत धन्यवाद दिया।